ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीगल रीजनिंग, ठीक है। तो ये पार्ट फोर होगा, होपफुली पार्ट फाइव में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। सर पार्ट फाइव भी होने वाला है, देखो पार्ट फाइव बहुत छोटा होगा और पार्ट फोर भी बहुत छोटा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको बता दूँ, आज जो है हम लोग केस स्टडीज़ देखने वाले हैं। तो केस स्टडीज़ अगर मैं सब कुछ आपको मतलब एक साथ 39 केस स्टडीज़ अगर आपको मैं करा दूँ तो आप कंफ्यूज़ हो जाओगे लगभग। तो शाम मतलब सुबह को, अभी सुबह को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सुबह और शाम को मिला के मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ। सुबह जब मैं अभी केस स्टडीज़ कराऊँगा वो केस स्टडीज़ आपको अभी बैठ के कर लेना है, ठीक है। और शाम को जो है दोबारा से 20 केस स्टडीज़ करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यार मैं बीच बीच में जो है ना होमवर्क्स भी देने वाला हूँ, राइट। केस स्टडीज़ है तो होमवर्क तो मिलेगा ही 100%। ओके अच्छा सर, ये होता क्या है चीज़, पहले एक बार ओपनली आप ब्रॉडली थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो लीगल रीजनिंग क्या होता है ना, लीगल रीजनिंग एक ऐसे समझ सकते हो तुम कि कोई भी पर्टिकुलर केस है, आपको कोई भी पर्टिकुलर केस दे देगा, ठीक है। केस इन द सेंस मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन दे देंगे, ठीक है, सिचुएशन दे देंगे और आपको बोलेंगे भाई बताओ तुम कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो आपको उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको याद करना पड़ेगा कि हम लोग इतना टाइम से पर क्या रहे हैं। तो जितने बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स ये सारे नहीं पढ़े हैं ना, तो आपको यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आने वाला। तो आप लोगों के लिए वीडियो है ही नहीं है, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो केस स्टडीज़ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, इनमें से ये केस स्टडीज़ दिया गया है, राइट। सो अपने को पहले सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि प्रोविजंस क्या है। अभी हमको पता है कि यार हमें एक केस दिया है, अभी हमको प्रोविजन याद करना है, उस केस से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है, उसको याद करने के बाद, रिलेट करने के बाद आपको एक सल्यूशन देना है, एक कंक्लूजन देना है कि हाँ जी आंसर क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, क्या नतीजा निकल सकता है, समझ में आ रहा है, क्या लीगल आंसर हो सकता है कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन का। तो आपको पूरा एकदम जो है मज़ा आने वाला है, ठीक है, आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका लीगल रीजनिंग का, मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है सर ये चीज़, लीगल रीजनिंग यही है, ओके। और हाँ जी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है लीगल रीजनिंग के लिए, अपने को बस इम्पॉर्टेंट देखना है कि कहाँ पे हम पढ़ेंगे तो सही होगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखो क्वेश्चंस जो है ना लीगल रीजनिंग का कहाँ कहाँ से आने वाला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, लॉ ऑफ टॉर्ट, एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, यहाँ से आपका लीगल रीजनिंग का आने वाला है। अगर आपने ये 40 मतलब जो कि 40 नहीं है 39 है, आपने 39 अगर केस लॉ कर लिए ना यहाँ से, तो एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुट कर देगा, दे देगा, तो आप सक जाओगे, आप 100% उसका मार्क ले सकते हो। आई थिंक केस लॉ माइट बी 2 मार्क्स का आ सकता है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन आ सकता है। सो लेट्स गो इनटू इट, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि पहला केस लॉ क्या है सर। अच्छा यहाँ पे जो केस लॉ का ड्राफ्टिंग है वो एग्जीक्यूटिव लेवल के ड्राफ्टिंग से अलग है, प्रोफेशनल लेवल के ड्राफ्टिंग से अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा एक चीज़, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली केस लॉ क्या दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन दिया जाता है, ठीक है, एक सिचुएशन नॉर्मली मतलब एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल में आप प्रोफेशनल लेवल में आप क्या करने वाले हो, एक केस लॉ देंगे। केस लॉ का आपको क्या क्या लिखने पड़ेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे 4 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं, बट मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि 4 पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो कि आप 3 पार्ट में डिवाइड करके यू कैन गेन दी एंटायर फुल मार्क्स, राइट। तो ये हो जाता है एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल का ज्ञान। सर कौन सा 3 पार्ट है, एक है प्रोविजन, एक तो केस लॉ है जो आपको दे देंगे, राइट, एक है प्रोविजन, राइट, एक है फैक्ट्स एंड एनालिसिस, एक है कंक्लूजन। इन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है अपना केस लॉस। यहाँ पे जो केस लॉ है ये मतलब एकदम नर्सरी लेवल के केस लॉस जो है वो उन्होंने देकर रखे हैं, मेरे हिसाब से तो नर्सरी लेवल के ही है। तो अभी आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से उन्होंने केस लॉ दिया है, ओके। सो
देखो एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, एग्ज़ाम में आपको ये ऑप्शन दे देंगे, यहाँ से कोई भी एक टिक करना है, ठीक है। एक तो है लीगल प्रिंसिपल, जो कि हम प्रोविजन कहते हैं, प्रोविजन जो है वो आपको दिया होगा, फैक्चुअल सिचुएशन भी दिया होगा और डिसाइडी भी आपको दे देंगे वो लोग, बट यू जस्ट हैव टू क्लिक राइट दी करेक्ट आंसर, टिक दी करेक्ट आंसर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेंगे कि हाँ जी सर क्या है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं फटाफट। ओके ओके, लीगल प्रिंसिपल में क्या बोला, सबसे पहला आज का नंबर वन केस लॉ है ये, ठीक है। लीगल प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स फंडामेंटल राइट, ठीक है। चलो इस प्रोविजन से रिलेटेड केस है, केस क्या देख लेते हैं। मिस्टर सिन्हा, फेमस इंग्लिश राइटर एंड ऑरेटर, क्रिटिसाइज्ड अनदर नॉवलिस्ट, ठीक है। एक राइटर जो है, मिस्टर सिन्हा कौन है, एक राइटर है, एक ऑरेटर है, जो कि क्रिटिसाइज किए है दूसरे जर्नलिस्ट को, दूसरे नॉवलिस्ट को, जो कि है मिस्टर राहुल के नाम से, ठीक है। और मिस्टर सिन्हा ने क्या बोला कि द नॉवल ऑफ मिस्टर राहुल इज़ इरैशनल एंड इनडिसेंट, ठीक है। हिज माइंड इज़ इम्प्योर, ही इज़ अ लूज कैरेक्टर, ही शुड राइट डिसेंट एंड गुड नॉवल। ओके, तो क्या मिस्टर राहुल बी सूड फॉर डिफेमेशन, क्या वो डिफेमेशन के लिए सू कर सकते हैं, बताओ। हाँ जी बताओ, आर्टिकल 19 तो पढ़े हो आप लोग सब, हाँ जी आर्टिकल 19 पढ़े हो ना अच्छे से। अब बताओ, अभी आएगा मज़ा। अच्छा चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या बताया कि ही इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यू, ठीक है। ही इज़ लाइबल टू सू फॉर डिफेमेशन इफ ही स्टेटमेंट वॉज नॉट ट्रू और सेड इन मैलाफाइड इंटेंशन, मैलाफाइड मतलब गलत इंटेंशन से, ठीक है, गिल्टी इंटेंशन से। ही कैनॉट बी लाइबल बिकॉज ही हैज़ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद और एक है, देखो डी में बताया गया ही कैनॉट बी सूड बिकॉज बोथ आर राइटर्स एंड नॉवलिस्ट एंड बोथ, ये तो हो ही नहीं सकता आपके हिसाब से, बताओ ये होगा। एंड बोथ कैन क्रिटिसाइज ईच अदर, यार दोनों नॉवलिस्ट है तो दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। चलो कैंसिलेशन प्रोसेस से हम लोग देखेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने का बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है, कैंसिलेशन प्रोसेस से देखेंगे ये वाला। तो ये तो नहीं हो सकता सर, अभी इधर आ जाते हैं, तो ये क्या सर हो सकता है एक बार देखिए फटाफट। हाँ जी ये होगा कि नहीं देखो फटाफट। ही इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही हैज़ जस्ट एक्सप्रेस्ड हिज पर्सनल व्यूज़, वो लाइबल नहीं है बिकॉज उन्होंने सिर्फ अपना पर्सनल व्यूज एक्सप्रेस किया है। हाँ भाई मेरे बताओ फिर क्या हो सकता है इसमें, कौन सा हम यहाँ पे कर सकते हैं बताओ। ही इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ये तो हो ही नहीं सकता मेरे को पता है सर, बिकॉज ही इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यू, है पर्सनल व्यू आप ऐसे ही इंसान के ऊपर बोल दोगे, ऐरा गैरा चीज नहीं ना। अभी इसमें क्या है कि आर्टिकल 19 में अगर आपको याद है, मैं शॉर्टकट में आपको फटाफट समझा देता हूँ, आर्टिकल 9 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस याद है आपको, बताओ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या था आर्टिकल 19 में, फटाफट बताओ, क्योंकि ये सब पढ़ाई जो है पहले से ख़त्म हो चुका है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ओके हम लोग जो है अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया था, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट था, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट था, पब्लिक ऑर्डर था, डिसेंसी और मोरालिटी और ठीक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, उसके बाद डिफेमेशन था या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन था, समझ में आ रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ करके आप कुछ भी अनशन नहीं बक सकते, समझे। तो इसमें ये होगा, ए तो नहीं होने वाला। अभी सी देखते एक बार, ही कैनॉट बी लाइबल बिकॉज ही इज जस्ट फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई इससे पहले तो अपन को पता ये होना होगा कि ये डिफेमेशन है कि नहीं, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ रहा है कि नहीं, ये तो स्टेट को किसी ने स्टेट को कुछ नहीं बोला, स्टेट को तो नहीं बोला, स्टेट मतलब कंट्री को तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, दूसरे फॉरेन स्टेट्स को भी कुछ नहीं बोला, पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी या फिर कोर्ट के ऑर्डर जो है उसको भी कुछ नहीं बोला, पर्टिकुलर इंसान को बोल रहा है। तो पर्टिकुलर इंसान को अगर बोल रहा है ना, तो ये भाई ये वाला पॉइंट है, देखो अच्छे से बी वाला, ही इज़ लाइबल टू बी सूड फॉर डिफेमेशन इफ़ हिज स्टेटमेंट वॉज नॉट ट्रू और सेड इन अ मैलाफाइड इंटेंशन।
समझ में आ रहा है? क्या समझे बताओ फटाफट, क्या समझे यहाँ पे सर? यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि सर इन्होंने जो है ना, इन्होंने डिफेमेशन किया है सर, इन्होंने डिफेमेशन हुआ है सर, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ही इज़ लाइबल टू बी सूड फॉर डिफेमेशन इफ ही स्टेटमेंट वॉज नॉट ट्रू, अगर उसका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है और सेड इन मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब गलत इंटेंशन में अगर उसने बोला तो, ठीक है? ही इज़ लाइबल टू बी सूड। समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ, ये केस स्टडी क्लियर है? फटाफट बताओ। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी में चलते हैं हम लोग, फटाफट आ जाओ। नेक्स्ट केस स्टडी क्या है? नेक्स्ट अपना केस स्टडी है भाई मेरे, पहले लीगल प्रिंसिपल देख लेते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस सब्जेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट, ठीक है? ओके ओके सर, अभी इधर पे देखते हैं। इन पर्सुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI, प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अनलेस सच पर्सन पास द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एंड होल्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द ICSI। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बोल रहे हैं कि सर, अच्छा लास्ट तक पढ़ते एक बार। मिस्टर मनोज अ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास स्टूडेंट ऑफ, एग्जीक्यूटिव पास किया बंदे ने भाई, ठीक है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास किया है अभी तक। स्टूडेंट ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स चैलेंजेस द बैन ऑफ इट, ठीक है? वो बोल रहा है कि बेटा मैंने एग्जीक्यूटिव पास किया है, मैं कंपनी सेक्रेटरी बन चुका हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी का काम कर सकता हूँ। बेटा इसके लिए ना रिलेटेड प्रोविजन का दरकार भी नहीं है, आपका कॉमन सेंस, आपका जो कॉमन सेंस है भाई मेरे, ये आपको बराबर आंसर देने के लिए हेल्प करेगा। सबसे पहले देखते हम लोग क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ये तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग जो है अपने को डायरेक्ट आंसर पता है, केस लो है तो हम लोग कैंसिलेशन करके देखने वाले, कौन सा नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ICSI सुपीरियर राइट टू बैन, ये तो नहीं हो सकता, किसी का भी सुपीरियर राइट नहीं है, ये बैन का सुपीरियर राइट का बात ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात किस चीज़ का कर रहे हैं सर? बात हम लोग कर रहे हैं, देखो बात हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग बात करें, तो सुपीरियर इन्फीरियर का बात ही नहीं आता, ठीक है? ये तो हम कट कर दिए। उसके बाद नीचे से देखते हैं, नन ऑफ द अबव तो बाद में आएंगे, बी देखते हैं, द बैन इज जस्टिफाइड एज द राइट ऑफ मिस्टर मनोज टू कैरी हिज प्रोफेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है? ये हम लोग देखेंगे, ये हम लोग समझेंगे, उसके बाद पहले हम लोग ये समझते हैं। The ban is not justified as the institute of company secretary cannot deprive any person of his right to hut be. क्या बोल रहा है भाई? ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बैन नहीं लगा सकता किसी के प्रोफेशन के ऊपर। बेटा हम ही है प्रोफेशन, हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं है, हम ICSI है, हमसे तुम हो, समझे ना बेटा? आप कंपनी सेक्रेटरी हो ना, हमसे तुम हो, हम नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो, समझ में आ रहा है? तो इंस्टीट्यूट के पास कोई वो राइट नहीं है कि प्रोफेशन, बेटर इंस्टीट्यूट ही पूरा रेगुलेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। अभी इसमें आता है, इसमें थोड़ा लग रहा है अपन को कि हाँ हो सकता है सर, देखो। हाँ भाई ये देखो क्या बताया, द बैन इज जस्टिफाइड, बैन जस्टिफाइड है सर, क्यों सर? क्योंकि मनोज जो है ना, वो जो अपना प्रोफेशन को कैरी करने के लिए बोल रहा है ना, वो क्वालिफाइड ही नहीं है सर, इज नॉट एब्सोल्यूट मतलब डिसक्वालीफाइड, ठीक है? वो क्वालिफाइड नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये होगा अपना करेक्ट आंसर, द बैन इज जस्टिफाइड, पूरा जस्टिफाइड है, ठीक है? तो ये वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो अगर मेरे पास राइट है ना, तो आप सुपीरियर हो या फिर प्रधानमंत्री हो जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा राइट मेरे को मिलने वाला है, समझ में आ रहा है ना? प्रोफेशन वाला राइट मेरे को मिलेगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, बैन जस्टिफाइड है क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। कैसे सर? क्योंकि उसने बस एग्जीक्यूटिव पास किया, प्रोफेशनल नहीं किया, उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं किया, उसके ऊपर मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, बहुत कुछ है भाई। आ जाओ नेक्स्ट 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 केस स्टडी, बहुत सारा मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ, समझे? बहुत ईजी है, हम लोग ने सब कुछ कर चुके हैं अभी, तो हम बस ऊपर ऊपर से जाने वाले। मेरे को अगर लगा कि बहुत ईजी केस स्टडी है तो मैं आंसर नहीं बताने वाला, आपको होमवर्क दूंगा, दो दिन का टाइम मिलेगा, दो दिन तक आपको कमेंट सेक्शन में है, आपको पूरा आंसर जो है उसको लिखना है, ठीक है? कमेंट करके
नंबर द नंबर ऑफ केस स्टडी, मतलब पकड़ लो केस स्टडी 3 है तो 3 इक्वल्स टू आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, ये आपको लिखना है। समझ में आ रहा है ना, ये होमवर्क है, प्रॉपर होमवर्क करना अगर मेरे स्टूडेंट हो तो। आ जाओ लीगल प्रिंसिपल, पहले देख लेते हैं लीगल प्रिंसिपल। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, चलो कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल एनफोर्स, लॉ एनफोर्स करेगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट बाय पार्टीज कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लॉफुल कंसीडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, क्या बताया, मिस्टर राजा ऑफर्ड टू बाय मिस्टर राम कार, ठीक है ऑफर किया मिस्टर राम को, ठीक है कार खरीद लो 5 लाख का, मिस्टर राम रिफ्यूज कर दिया। सब्सिक्वेंटली मिस्टर राजा थ्रेटेंड टू किल मिस्टर राम, बेटा मुझको तो आंसर यही से दिख रहा है, थ्रेटेंड टू किल मिस्टर राम एंड मिस्टर राम एग्रीड टू द सेल, ठीक है थ्रेटेंड किया तो राम ने बोला कि सही है, ठीक है ठीक है ठीक है मैं कर देता हूँ भाई, मत मारो मेरे को, ठीक है। मिस्टर राम सब्सिक्वेंटली रिजाइंडेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ मिस्टर राजा सूट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है अब बताओ ये कि वैलिड है और क्या नहीं है, बताओ मिस्टर राजा, राजा कौन है, मिस्टर राजा ऑफर्ड टू बाई मिस्टर राम कार, ठीक है तो राम ने क्या किया, राम ने क्या किया, राम ने कैंसिल कर दिया। देखो पहले तो एग्री किया, पहले तो उसने एग्री किया उसके बाद उसने कैंसिल कर दिया, सब्सिक्वेंटली उसके बाद एग्री करने के बाद उसने कैंसिल कर दिया। तो भाई अपना जो राजा है ना वो सूट मतलब वो केस कर रहा है किसके ऊपर, राम के ऊपर, भाई तूने बोला था तू खरीदेगा, बेटा तूने तो जान का धमकी दिया था मेरे को, तो आंसर क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है बताओ। हाँ जी इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना भाई, अगर बोल लो कि केस लॉ जो है बहुत टफ है सर मेरे को नहीं आएगा, तो सच्ची में मैं बता रहा हूँ मम्मी को कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हारे मम्मी को कॉल करके, ठीक है तुम्हारा नंबर मेरे पास है टेलीग्राम पे हो ना, हाँ जी कंप्लेन कर दूंगा, पढ़ाई नहीं कर रहा सर, मम्मी जी आपका बेटा, समझ में आ रहा है, तो ये जो है बेटा या फिर बेटी किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं, इधर आ जाओ, ये हो चुका है राइट, हाँ जी सर इसका मैं सक जाऊंगा सर, अच्छा एक बार सर पढ़ा दीजिए, एक बार आपका जो एक्सेंट है ना उससे हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा, ठीक है एक बार देखो, विल सक्सीड बिकॉज मिस्टर राजा वॉज ऑफरिंग लॉफुल कॉन्सिडरेशन फॉर द कार, बेटा पैसा दे रहा है लॉफुल कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन लॉफुल, हाँ जी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कॉन्सिडरेशन तो दे रहा है सर, पैसा तो दे रहा है सर, हाँ जी सर, हाँ चलो मैं ये चीज़ आपके ऊपर रखता हूँ। उसके बाद विल सक्सीड बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार इज लॉफुल, अरे बेटा आज ही आए हो क्या दुनिया में, नहीं सर, विल सक्सीड बिकॉज बोथ पार्टीज हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अरे बेटा ये तो सही है कि हाँ जी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बेटा यहाँ पे बात क्या हुआ है, विल फेल बिकॉज मिस्टर राम वॉज फोर्स टू एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट। अभी बेटा जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें आंसर सही सही बताना, जो रॉन्ग आंसर देगा ना उसको बेटा लाठी चार्ज। आ जाओ नेक्स्ट, बच्चे सोच रहे सर बहुत टफ है केस स्टडी, बेटा कुछ टफ नहीं, इधर आ जाओ लीगल प्रिंसिपल देख लेते एक बार। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, अगर देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, रूल क्या है, रूल ये है कि सबसे पहले अपन को पढ़ना होता है ये, ठीक है क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल में तो ये आपको दिया होगा, लीगल प्रिंसिपल आपको खुद से सोच के लिखना है राइट, उसके बाद आंसर भी लिखना है एग्जीक्यूटिव लेवल में, प्रोफेशनल लेवल पे। तो कभी कभार अगर आपको ये पढ़ के आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है ना तो ये देख लेना अच्छे से पढ़ लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये पढ़ना जो है ना ये पाप है पढ़ना। क्यों सर लीगल प्रिंसिपल पढ़ना क्यों पाप है, क्योंकि आपको लीगल प्रिंसिपल नहीं मिलने वाला इन द एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल, ये आपको खुद को याद करके लिखना है, तो केस स्टडी जो है उसको पढ़ के ही आपको डायरेक्टली आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जो है ना ये मैंने अभी कवर कर चुका हूँ मेरे लेक्चर्स में ये सारी चीज़, समझ में आ रहा है। आ जाओ फटाफट लीगल प्रिंसिपल, फिर भी आप बच्चे हो नया नया स्टार्टिंग है तो लीगल प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं, अगर आप भूल जाओ तो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विद द लॉ विल इन्फोर्स, ओके एन एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट बाय पार्टीज कंटेम्प्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कॉन्सिडरेशन एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है लॉफुल कॉन्सिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉन्सिडरेशन भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कॉम्पिटेंट पार्टिसिपेंट भी होना चाहिए, पार्टीज भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेटा पागल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके आ चुके हो, ठीक है। तो अभी हम लोग केस देखते हैं, केस क्या है सर, केस बताइए, केस सर केस क्या है मैं बताता हूँ आपको,
केस ये है भाई मेरे कि देखो फैक्चुअल सिचुएशन क्या, मिस्टर जॉय अ यंग बॉय 27 ईयर, भाई यंग बॉय ऑफ 27 ईयर, ये यंग है बेटा, हाँ जी यंग है, विदाउट एनी कॉन्सिडरेशन एग्रीज टू गिव मिस्टर जूली, विदाउट एनी कॉन्सिडरेशन, भाई कॉन्सिडरेशन नहीं है, विदाउट एनी कॉन्सिडरेशन भाई मेरे, समझ में आ रहा है कुछ कुछ हल्का हल्का आ रहा है एहसास, उसने प्रॉमिस किया जूली को, जूली जूली उसको प्रॉमिस किया कि 10,000 रुपये देगा, मिस्टर जूली आई एम गोना गिव यू 10,000 रुपीस, तो मिस्टर जॉय फेल्स टू हिज प्रॉमिस, ओ फेल हो चुका है, मतलब मिस्टर जूली जो है बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े बात किया था, किसने मिस्टर जॉय ने, जॉय ने बहुत बड़ा बड़ा बात किया था, मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा 10,000 रुपये दूंगा प्रॉमिस किया था, मिस्टर जूली फेल हो गया, प्रॉमिस फेल हो गया, मिस्टर जूली ने क्या किया, उसने सू कर दिया, सूज मिस्टर जॉय, भाई इसको सू कर दिया, भाई प्रॉमिस तो किया था, प्रॉमिस किया था मैंने भाई, तो प्रॉमिस आज तक सुने हो ऐसा कि प्रॉमिस करने पर किसी ने किसी के ऊपर केस कर दिया, तुमने प्रॉमिस किया था मेरे को, अगर पापा ने आपको प्रॉमिस किया है कि बेटा मैं तेको जो है ना मैं तेको साइकिल खरीद के दूंगा जब तू क्लास 10 पास करेगा या फिर 12 पास करेगा, राइट, तो यार पप्पा अगर ना खरीद के दे या फिर पप्पा ने प्रॉमिस किया था बाइक खरीद के दूंगा फॉर एग्जांपल आफ्टर योर ग्रेजुएशन, लेकिन खरीद के नहीं दिए, साइकिल खरीद के दे दिए, तो क्या आप केस कर दोगे पप्पा के ऊपर, पप्पा ने प्रॉमिस किया था, बेटा ये भी होमवर्क है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ केस स्टडीज, तो आपको एक्सप्लेन आपको करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर करना है, ठीक है, मिस्टर जूली क्या किया, मिस्टर जूली विल सक्सीड एज मिस्टर जॉय मेड द प्रॉमिस ऑफ हिज ओन फ्री विल, मिस्टर जूली सक्सीड हो जाएगा, उसका केस वैलिड रहेगा, चल झूठा, अभी इधर आ जाओ, मिसेस जूली विल फेल एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कॉन्सिडरेशन, ठीक है देख सकते हैं हम ये बाद में देखेंगे, मिस्टर जूली विल सक्सीड का तो बात ही नहीं आता, कैपेसिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो क्या बताएं हम, मिस्टर जूली विल सक्सीड एज द मनी इज नॉट बींग पेड फॉर एन इलीगल ऑब्जेक्ट, बेटा क्या बताएं हम, ठीक है क्या बताएं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक चीज़ बताओ मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो एक प्रकार का प्रॉमिस होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक प्रकार का प्रॉमिस होता है ना, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें कॉन्सिडरेशन होना चाहिए भाई, प्रॉमिस तो हर प्रकार का प्रॉमिस, पप्पा ने आपको बोला कि हाँ अगर तूने फर्स्ट रैंक लाया तो तेको बाइक आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, जो कि बच्चे को लेना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ खुद के पैसे से कमा के लेना चाहिए, ओके, ये सारे जो मोह माया है ना, ये जिस दिन आप इससे बाहर निकल जाओगे ना उस दिन आप एक बढ़िया इंसान बनोगे, समझ में आ रहा है, अभी एक बात सुनो, मेरा बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें क्या होना चाहिए, वो तो एक प्रकार का प्रॉमिस ही है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ प्रॉमिस ना, जो प्रॉमिस है उसमें क्या होना चाहिए, ये क्या प्रॉमिस लग रहा है आपको, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है आपको, नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी कब होगा, जहाँ पे वहाँ पे लॉफुल कॉन्सिडरेशन रहेगा, पैसे का लेन देन रहेगा, कॉन्सिडरेशन, मैं तेरे को एक काम कर दूंगा अगर तूने पैसा दिया तो ये सारा चीज है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या कॉन्सिडरेशन है, विदाउट एनी कॉन्सिडरेशन कॉन्सिडरेशन नहीं है सर, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा सर, ये तो मैं आंसर बता दूं या फिर आप बताने वाले हो, बेटा आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेरे को बस राइट आंसर टिक करके देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट केस लॉ देख लेते हैं फटाफट, नेक्स्ट केस लॉ में क्या है, नेक्स्ट केस लॉ में है अपना लीगल प्रिंसिपल देख ले, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है टू अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जज को अपॉइंट करने के लिए पावर, मतलब आपको क्या देता है, पावर देता है, राइट, किसको, प्रेसिडेंट को सर, आपको नहीं प्रेसिडेंट को, अभी आ जाओ केस देखते हैं, देर इज़ अ डेडलॉक का मतलब क्या सर, डेडलॉक का मतलब होता है कि अनबन चल रहा है, ठीक है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ तुम कुछ और बोल रहे हो, बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में अनबन चल रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड मिस्टर आदर्श, मिस्टर आदर्श, ठीक है, किसने अपॉइंट किया भैया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एज दी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और मिस्टर गर्ग अपॉइंटेड एज जज
ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओ बापा, प्राइम मिनिस्टर ने किसको अपॉइंट किया? गर्ग को, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में उसको जज बना दिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया। और प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया किसको? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किसको? हाँ जी सर, मिस्टर आदर्श को, एज अ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने मिस्टर आदर्श को। अभी कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, दोनों का अपॉइंटमेंट सही है कि नहीं, बताओ मेरे को। इससे पहले मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, आप पूछने लग जाओ कि सर मेरे को नहीं आ रहा, सर मेरे को नहीं आ रहा, सर ऐसा आप करने लग जाओ, उससे पहले मैं बता देता हूँ अपॉइंटमेंट कैसा होता है। मैं बताता हूँ, ये जो प्रेसिडेंट है ना भैया, यही अपॉइंट करता है, और किसी के पास राइट नहीं है अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। ये सारे हाई कोर्ट का जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज, ऑल दिस। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ना, आप सोच रहे होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते, सर आंसर मिल गया, सर आंसर मिल गया, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तो राइट है अपॉइंट करने का, लेकिन उसको एडवाइस कौन करेगा पता है? ऑन द एडवाइजरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, तब जाके वो अपॉइंट करेगा। मतलब किसको अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है, वो एडवाइस करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा, तब जाके प्रेसिडेंट। खुद से अपने मर्जी से नहीं अपॉइंट कर सकता प्रेसिडेंट, अपॉइंट तो इसी को करना है। और जब तक प्राइम मिनिस्टर का जो उसने बोला है प्रेसिडेंट को, सर अपॉइंट कीजिए इसको, और प्रेसिडेंट ने अगर अपॉइंट नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपॉइंट नहीं होगा। समझ में आ रहा? दोनों को साथ में चलना है, प्राइम मिनिस्टर को भी साथ में चलना है और प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सजेशन देंगे कि भैया इसको अपॉइंट कराओ, तब जाके प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कराएगा। अगर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट नहीं किया, जो सजेशन दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और अगर पकड़ लो प्राइम मिनिस्टर ने खुद से अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना, तब भी वो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है बताओ, जल्दी बताओ। हाँ जी बताओ, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गर्ग इज़ वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। दूर बेटा फट्टे मुँह तेरे, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श इज़ वैलिड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे भाई मेरे, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श एंड गर्ग वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सर, फ्रॉम द स्टार्टिंग सर। क्या था सर? वॉइड था सर, सर वॉइड था, नन ऑफ द अबव। अब बताओ कौन सा होगा आंसर? मैंने पूरा केस लो एक्सप्लेन कर दिया भाई, डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है, थोड़ा डाउट हो रहा है। मैंने तो एक्सप्लेन किया, मैंने बोला ना प्रेसिडेंट वाला अपॉइंट होगा ना प्राइम मिनिस्टर वाला अपॉइंट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर खुद से अपॉइंट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भी खुद से अपॉइंट नहीं कर सकता, तो क्या हो सकता है आंसर बताओ फटाफट। हाँ जी, होमवर्क, ठीक है, कमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे को सब कुछ। ओके, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो अपॉइंट करने का अधिकार है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, उसको एडवाइस कौन करेगा? एडवाइस करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस द प्राइम मिनिस्टर, तब जाके वो अपॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है ना? खुद बा खुद अपॉइंट नहीं कर सकता। ऑन द एडवाइस ऑफ होम, ऑफ होम, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हो गया बेटा, नेक्स्ट जाए हम लोग। अभी इधर आ जाओ, आंसर चाहिए भाई मेरे को, ठीक है, इधर आ जाओ फटाफट। लीगल प्रिंसिपल देखते हैं। ए वायोलेशन ऑफ लीगल राइट विथ और विदाउट डैमेज गिव्स राइज टू अ टॉर्ट। ए वायोलेशन ऑफ लीगल राइट विथ और विदाउट डैमेज, अरे सर इंजूरिया सीने डैमनम ऐसा कुछ लग रहा है। वायोलेशन ऑफ राइट विदाउट डैमेज, मतलब डैमेज नहीं हुआ लेकिन इंजूरिया, मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ है, मतलब इंजूरिया सीने डैमनम। इंजुरी मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज। तो अभी देखते फटाफट। मिस्टर केतन एस्टैब्लिशेस अ कोचिंग क्लास। कोचिंग क्लास बेटा, कोचिंग क्लास का नाम सुन के मेरा आंसर मुंह में आ चुका है, ठीक है, अभी इधर आ जाओ। कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, चलो मैंने ये मिस्टर केतन ने खोला एंड 10,000 रुपये उसने चार्ज किया ट्यूशन फी को। मिस्टर केतन्स नेबर मिस्टर कालिया establishes another coaching class for company secretary student of executive program।
ठीक है, बाय क्रिएटिंग अ कंपटीशन बिटवीन देम। उन्होंने भी, मिस्टर केतन का नेबर है कालिया, कालिया ने भी खोला है, मिस्टर केतन ने भी खोला था। सबसे पहले मिस्टर केतन ने खोला, 10,000 रुपये फ़ी था, ठीक है, और इसका कालिया का कितना था, 7,000 रुपये फ़ी था, और अपने सी एस एग्ज़ाम स्क्वाड का सर ज़ीरो। नहीं बेटा, इंटरनेट का खर्चा लगता है ना आपको देखने में वीडियो। सर क्या बोले हो सर, अच्छा उधर उधर। तो ये क्या हो सकता है बताओ फटाफट, इसमें क्या हो गया सर, दिक्कत क्या है सर फिर? कैन मिस्टर केतन, मतलब पहला वाला इंसान जो है वो डैमेज क्लेम कर सकता है मिस्टर कालिया से, किस क्योंकि उसने कोचिंग क्लास खुला है फॉर कॉज टू हिम? बेटा आंसर जो है ना मेरे मुँह में क्या आपके मुँह में भी होना चाहिए, ठीक है, आंसर टिक कर दियो। पहले क्या बताया, यस ही कैन कालिया, मतलब मजाक चल रहा है क्या? अभी उधर देखो, नो मिस्टर केतन हैज़ रिड्यूस द फी ऑफ हिज ओन। अरे भाई क्या बात करो, बात कुछ एक चल रहा है और आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो, फीस के बारे में कह रहे हो। सर फीस बड़ा बात नहीं है सर, यहाँ पे और केस है सर। अभी इसमें बस ये दो ही ऑप्शन है क्या, देख लेते एक बार फटाफट। नहीं नहीं ऊपर में दिया है, हाँ जी देखो, नो बिकॉज दो देयर वॉज अ डैमेज देयर वॉज नो लीगल इंजुरी, इंजुरी माई ब्रो, नो बिकॉज देयर वॉज डैमेज देयर वॉज नो लीगल इंजुरी, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने नहीं बताया आपको आंसर, आपको खुद ढूंढना है, समझ में आ रहा है? सर आपने बता दिया, नहीं मैंने नहीं बताया आंसर, आपको ढूंढना है, ढूंढ के बताना है, ठीक है। अभी इधर जाओ, नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल क्या, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन है सर, पक्का पूछेंगे ये कंपनी है क्या नहीं है, चलो देख लेते एक बार। ABC लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, चलो। ABC LLP इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ABC कंपनी रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ABC चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द ट्रस्ट एक्ट 1882। विच वन ऑफ द अबव एंट्रीज मेंशन द फैक्शन सिचुएशन इज अ कंपनी, कौन सा कंपनी है बताओ। हाँ जी, ABC लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। एंड मैं आपके कान में बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी को बताना मत, ठीक है ना, एक एक करके सुनने वाले। अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर अभी तो 2013 चल रहा है सर, 2013 के बारे में तो कुछ बताया नहीं सर यहाँ पे। अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मैंने आंसर नहीं बताया, आंसर आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। कहाँ पे लिखना है, कमेंट सेक्शन में। जो आंसर नहीं लिखेगा ना बेटा, पाप लगेगा, रात में जो है ना नींद में आने वाला हूँ मैं, समझ में आ रहा है? आंसर लिख दियो। अभी इधर आ जाओ फटाफट, 8 नंबर में देख लेते हैं क्या बोला गया। लीगल प्रिंसिपल, अ मास्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी सर, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कह रहे सर। कौन सर, सर कौन लाइबल है सर? मास्टर लाइबल है सर। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट टू हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अच्छा चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं फटाफट सिचुएशन क्या, केस बताओ मेरे को केस। ABC लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, NBFC है भाई, एक NBFC है नाम ABC लिमिटेड। इज रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। रजिस्टर्ड बैंक, बेटा रजिस्टर्ड है मतलब औकात है, समझ में आ रहा है ना, रजिस्टर्ड है, फालतू का नहीं है, रजिस्टर्ड है। विथ हुम? विथ RBI, ठीक है सर, रजिस्टर्ड है। उसके बाद बताइए, मिस्टर शाम अपॉइंटेड एज एन ऑथोराइज्ड एजेंट। ऑथोराइज्ड एजेंट, ऑथोराइज्ड मतलब बेटा लीगली अपॉइंट किया है इसको मिस्टर शाम को, शाम एक एजेंट है, ठीक है, अपॉइंटेड बाई ABC लिमिटेड टू कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम सेवरल, देखो टू कलेक्ट ABC लिमिटेड टू कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम सेवरल पीपल ऑन डेली बेसिस। वो डिपॉजिट कलेक्ट करता है फ्रॉम सेवरल पीपल, ठीक है। मिस्टर शाम कलेक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पीपल ऑन डेली बेसिस, वन डे ही डिसअपियर्ड, बेटा गायब हो चुका है एक दिन। वन मिसेस श्यामली या दिस अ बंगाली गर्ल श्यामली हु हैड बीन हैंडिंग ओवर हर डिपॉजिट मनी टू मिस्टर शाम, शाम को दे रही थी मिस्टर मिसेस श्यामली, ठीक है, मिस्टर नहीं है सॉरी, मिसेस श्यामली ने क्या किया, उन्होंने मनी जो है वो शाम को दे रही थी रेगुलर बेसिस में, क्योंकि वो डिपॉजिट कर रही है ना मनी, ठीक है, एजेंट है भाई अपना। तो फाउंड दैट नियरली फॉर अ मंथ बिफोर हिज डिसअपीयरेंस ही वॉज नॉट डिपॉजिटिंग हर मनी एट ऑल। उनको पता चला, किसको, मिसेस श्यामली को पता चला कि भाई मेरा पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा है NBFC पे,
तो क्या हो रहा है, मिस्टर शामली वेंट अप्रोच टू एबीसी लिमिटेड। मिस्टर शामली गई कहाँ पे सर, एबीसी लिमिटेड पे, ठीक है। द एनबीएफसी टुक द स्टैंड एंड मिसेस शाम वाज मिस एनबीएफसी ने क्या कहा, स्टैंड लिया। क्यों सर, क्योंकि मिसेस शामली गई एबीसी लिमिटेड के पास, बोली बेटा मेरा पैसा जो है ना वो डिपॉजिट नहीं रहा, मैंने अकाउंट पे चेक किया है, मेरा पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा है, आपका जो क्या है सर, आपका जो एजेंट है उसने मेरा पैसा मार के रखा है। तो एनबीएफसी ने क्या किया, एनबीएफसी टुक द स्टैंड, उसने स्टैंड लिया एनबीएफसी ने। दुरपट्टे मुँह, तू स्टैंड लेने से भी क्या हो जाएगा अभी। एनबीएफसी क्या है, टुक द स्टैंड दैट मिस्टर शाम वॉज नॉट इन इज एम्प्लॉय, नॉट इट्स एम्प्लॉय, वो अपना एम्प्लॉय नहीं है ना, वो अपना एम्प्लॉय नहीं है, शाम मेरा एम्प्लॉय नहीं है। कौन बोल रहा है, एनबीएफसी, इधर पे लिखा है रजिस्टर्ड, कब था, कहाँ गया, हाँ जी इधर ही तो था, ये देखो रजिस्टर्ड, नहीं ये नहीं, कहाँ है, ऑथराइज्ड एजेंट, ये ऑथराइज्ड एजेंट, देखा ऑथराइज्ड एजेंट है भाई, किस काम के लिए, कलेक्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट कलेक्ट करता था। ओके अभी सर बात बताओ क्या हुआ लास्ट में, ही इज एजेंट देयरफॉर एबी लिमिटेड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मिसकंडक्ट। मिस्टर शामली ने क्या क्या फाइल कर दिया, किसके ऊपर केस फाइल कर दिया, एबीसी लिमिटेड के पास। हु इज लाइबल, हु इज लाइबल, ऊपर में देखो तो एक बार सर क्या लिखा है सर, ए मास्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाई सर्वेंट इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अभी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ इसको लेके, ठीक है। मास्टर कौन है, मास्टर है सर एबीसी लिमिटेड, ठीक है एबीसी लिमिटेड। सर्वेंट कौन है, सर्वेंट है सर अपना कहाँ गया, शाम सर, शाम सर। उसके बाद क्या उसने जब पैसा मारा वो क्या इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट था, हाँ जी सर उसने इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट उसने पैसा मारा सर। तो कौन लायबल है, हुज लायबल, पैसा देने के लिए कौन लायबल है, पैसा देने के लिए कौन लायबल है बताओ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एबीसी लिमिटेड लायबल है, मिस्टर शाम लायबल है, मिस्टर शामली लायबल है। अरे तो मिसेस शामली कैसे लायबल होगी यार, नन ऑफ द अबव है। चलो मैंने एक हिंट दे दिया, ये तो नहीं हो सकता मिसेस शामली, ठीक है। बाकी तीन में से मेरे को एक आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, मैंने केस पूरा यहाँ पे डिक्टेट कर दिया। जो बच्चे, मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर्स नहीं देखा अभी तक, पूरा लेक्चर्स नहीं देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टॉर्ट्स और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी लेक्चर नहीं देखा, बेटा तुम जो हो ना टेररिस्ट हो, टेररिस्ट आतंकवादी, समझ में आ रहा ना, टपक चुके ऊपर से इधर पे, नहीं टपकना है, पहले लेक्चर कंप्लीट करना है उसके बाद देखना है, क्योंकि ये जो है ना प्रैक्टिस है, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ फॉर द एग्जामिनेशन। हाँ जी बेटा बताओ कौन हो सकता है, होमवर्क है बेटा, समझे ना, तैयार करो आपको एग्जामिनेशन के लिए, तैयार हो जाओ, द गेम हैज़ बिगन। नेक्स्ट देखते सर, नाइन वाला सर, नाइन में क्या बताया, फटाफट थोड़े स्पीड में जाएंगे अभी, ठीक है। लीगल प्रिंसिपल देख लेते, द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है सर, क्या हुआ, राम सिंह इज सिटिंग मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा ठीक है, एंड एज ए रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। अच्छा रिकमेंड किसने किया सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपॉइंटेड मिस्टर राम सिंह एज द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। हाँ जी, द मेंबर ऑफ, तो अभी क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राम सिंह एज मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज वैलिड और नॉट, ये वैलिड है कि नहीं। यहाँ पर क्या बताया, द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर इलिजिबल टू मिनिस्टर। मेरा वॉइस का जो वेट है ना, कब कौन से वर्ड पे वेट ज़्यादा जा रहा है वहाँ पे ध्यान दो तो आंसर मिल जाएगा। मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राम सिंह एज मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज वैलिड और नॉट, बताओ ये वैलिड है कि नहीं। सर सब कुछ तो ठीक ठाक हुआ है ना सर, देखो देखो हुआ है कि नहीं। रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ने रिकमेंड किया है, यही तो मेन था, रिकमेंड तो किया है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, मतलब दोनों राजी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों राजी, ठीक है। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया किसको, मिस्टर राम सिंह एज द मिनिस्टर ऑफ द, एज द मिनिस्टर फॉर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो भाई साहब ये क्या हो सकता है बताओ फटाफट। बेटा पहला बात तो ये ना, जिसने भी ये वाला ऑप्शन लिखा है ना भाई, पर वो एक बार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैनॉट बी अपॉइंटेड, भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैनॉट बी अपॉइंटेड,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैनॉट बी रिकमेंडेड। भाई मेरे को ये कुछ हज़म नहीं हुआ। आपको अगर हज़म हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हज़म हो चुका है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कमेंट में लिखो सर सर ये क्या था सर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है चूज़ कर लियो अच्छे से, मैंने बोल दिया है, आंसर भी मैंने डायरेक्शन दे दिया मैंने कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है।